दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं क्या कॉपी पेस्ट चैनल मोनेटाइज होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछा जाता था, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो हमेशा लोगों को विचलित किया रहता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस समय यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट बना रहता है, क्या भाई मैं इस चैनल पे वर्क कर रहा हूं तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, क्या इस चैनल से मैं अर्निंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर आप यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं पर्सनली, अगर कॉपी पेस्ट चैनल पे वर्क कर रहे हैं, या फिर अगर आप कॉपी पेस्ट चैनल पे वर्क करने का सोच रहे हैं, तो भाई यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको पूरा कंफर्म पता चल जाएगा कि मैं कॉपी पेस्ट चैनल से अगर वर्क कर रहा हूं तो भाई उस चैनल से मैं अर्निंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कॉपी पेस्ट चैनल के क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर में मैं उससे अर्निंग कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर फ्यूचर में जाके वो चैनल खराब हो जाने वाला है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों कुछ मिनट का वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा यार, और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं वो स्किप कर करके देखेंगे, बाद में प्रॉब्लम में फंसेंगे तो वो यहाँ पे यहाँ वहां मैसेज करेंगे, फिर उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं पर भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यार कुछ मिनट का वीडियो है, आप पूरा अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपके मन का हर एक डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों इस समय यूट्यूब पे क्या चल रहा है ना, बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब चैनल आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब अच्छे खास उनके फैन फॉलोइंग है, मतलब अच्छे खास सब्सक्राइबर है, वो भी यूट्यूब पे चैनल आइडियाज दे रहे हैं और गलत चैनल आइडिया दे रहे हैं। मैंने देखिए आपको पता होगा कि मैं हमेशा एक दिन बाद वीडियो अपलोड करता हूं, मतलब एक दिन तो वीडियो आज जैसे आज ये वाला वीडियो अपलोड करूंगा तो कल मैं पूरा टॉपिक रिसर्च करूंगा, उसके एक दिन बाद वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है। तो कल मतलब कल ही मेरे वीडियो का मतलब अपलोड करने का शेड्यूल था लेकिन मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीजन उसका यह है कि मैं पूरा कल रिसर्च कर रहा था कि भाई क्या सच में कॉपी पेस्ट चैनल का क्या फ्यूचर है, क्या लोग इससे अच्छे खासे अर्निंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं जब रिसर्च करने में मुझे समय लगा, इसलिए ये वीडियो आपको आज मिलेगा जिसमें मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। रिसर्च करते समय मैं मुझे एक वीडियो दिखा, वहां पे क्या था ना, एक बंदा इस मतलब एक टॉपिक पे वीडियो बना रखा था जिसमें पॉडकास्ट वगैरह के बारे में बता रखा था, उस वीडियो पे आज लगभग 2 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, फिर शायद 2 मिलियन व्यूज हो गए होंगे उसके चैनल पे, ठीक है। लेकिन यार उस 2 मिलियन व्यूज मालिक 2 मिलियन व्यूज आया है, अब 2 मिलियन लोगों में देख के, ठीक है, 2 मिलियन का मतलब दोस्तों 20 लाख होता है, ठीक है। अब 20 लाख उस 20 लाख लोग उस वीडियो को देखे हैं, मान लीजिए 20 लाख लोगों ने देखा है, 20 लाख लोगों में से मान लीजिए मैं कम से कम भाई मान लीजिए 20,000 लोगों ने उसके वीडियो को देख के चैनल को बनाया। अब भाई उस चैनल को बनाने के बाद भाई 20,000 लोगों का एक प्रकार से वो 20,000 लोगों के इमोशन के साथ खेल रहा है, क्योंकि भाई वो चैनल तो मोनेटाइज होने वाला नहीं है। अब वो भाई उनका चैनल पे वो मान लीजिए 1 महीना वर्क करे, 2 महीना वर्क करे, या फिर 3 महीना या फिर 4 महीना, भाई वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, कि भाई ऐसे कंटेंट पे भाई जो वर्क कर रहा है उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो भाई उस कंटेंट का बनाने का क्या ही रीजन है, भाई उनको कुछ व्यूज मिल रहा है। अब भाई आप ही बताइए उसको 2 मिलियन व्यूज मिला है, अब 2 मिलियन व्यूज के साथ साथ कितने उसकी अर्निंग हुई होगी, कितने सब्सक्राइबर बढ़े होंगे, और उसी वीडियो को देख के जितने लोग चैनल बनाए हैं भाई मैं 100% गारंटी ले रहा हूं ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होगा भाई उसमें उसने उसमें प्रूफ दिखाया था, अब भाई प्रूफ लोग कैसे दिखाते हैं मैं वो भी मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों कभी कभी होता क्या है ना कि कभी कभी कॉपी पेस्ट चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे जैसे मैं यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ, उसी तरह कुछ लोग पर्सनली फेसबुक पे वर्क करते हैं, मतलब यूट्यूब पे वर्क नहीं करते पर्सनली फेसबुक से वर्क करते हैं, तो वो बहुत सारे लोग करते हैं उसी फेसबुक वाली वीडियो को उठा के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं, तो यूट्यूब के लिए तो वो नया कंटेंट होगा, क्योंकि भाई वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहा है तो यूट्यूब के लिए वो नया कंटेंट होगा, तो वो वाली वीडियो क्या करता है यूट्यूब मोनेटाइज कर देता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वही कंटेंट दिखा के लोगों को आइडिया बता देते हैं कि यहां से क्या करना है आपको लेना है, लेकिन कभी फ्यूचर में अगर वो बंदा यूट्यूब पे आया तो आपका चैनल तो भाई तुरंत खराब हो जाएगा, मतलब तुरंत आपकी जो लाइफ का मतलब जो आपने इतना समय दिया होगा वो तो अब खत्म हो जाएगा तुरंत। तो ऐसे कंटेंट की आइडिया भाई क्यों देना आपको, क्यों भाई ऐसे कंटेंट का आइडिया देना जिससे आपका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपके चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसा कंटेंट का आइडिया क्यों ही देना। दोस्तों आपको पता होगा कि मैं भी अपने चैनल पे कंटेंट आइडिया देता हूं लेकिन हमेशा मैं आपको अपनी एक्टिविटी ऐड करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है भाई बिना एक्टिविटी ऐड किए आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला नहीं है। और पर्सनली अभी मैं जो कंटेंट का बात कर रहा था जिसमें 2 मिलियन व्यूज आया था वो भी क्या कर रहा था, वो यूट्यूब की वीडियोस को, ठीक है, काट के अपने चैनल पे अपलोड करने का तरीका बता रहा था बंदा। अब बताइए यूट्यूब के वीडियोस को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो वो चैनल मोनेटाइज होगा भाई, आज नहीं तो कल उस पर प्रॉब्लम आने ही वाला है, तो ऐसे कंटेंट पे आप वर्क करना बंद कर दीजिए भाई। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा भाई मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूं तो मैं क्या करूं, या फिर मैं कैसे कंटेंट पे वर्क करूं जिससे मेरा चैनल पे प्रॉब्लम ना आए। तो मेन सोल्यूशन तो ये होगा ना भाई, मतलब मैं तो आपको ये बता दिया कैसे कैसे लोग कुछ व्यूज के चक्कर में आपको गलत चैनल का आइडिया दे रहे हैं। देखिए मैं सभी को यहाँ पे गलत नहीं कह सकता और मैं यहाँ पे जिसका मैं बात कर रहा हूं उसका नाम नहीं सकता, क्योंकि यार मैं किसी को हेट पहुंचाना नहीं चाहता हूं,
ठीक है। लेकिन हाँ, मैं सभी यूट्यूबर को गलत क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको एक बेस्ट यूट्यूब चैनल के आइडिया देते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जिनको देख के पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है भाई, क्योंकि वो लोगों के साथ हेल्प कर रहे हैं, लोगों को अच्छे अच्छे कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई मैं सबको गलत नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं आपका यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ कि आपको कैसे कॉन्टेंट पे वर्क करना पड़ेगा और कैसे कॉन्टेंट देखने के बाद आपको विश्वास करना है कि भाई इस कॉन्टेंट में मेरी फ्यूचर है कि नहीं है, इस कॉन्टेंट पे अगर मैं वर्क करूंगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी कॉन्टेंट आप देख रहे हैं उस कंटेंट में अगर आपकी एक्टिविटी ऐड हो गई, या फिर कोई कंटेंट देख रहा है, या फिर आपको कोई भी कंटेंट पे वर्क करने का मन कर रहा होगा, तो उस कंटेंट में आपकी एक्टिविटी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे या फिर आप उसमें अपना फेस ऐड कर दीजिए, मतलब सिर्फ रिएक्शन, जैसे वीडियो चलता है, कोई भी वीडियो यूट्यूब से उठाइए या फिर कहीं से वीडियो उठाइए, उसमें आपका फेस रहना चाहिए, मतलब उसमें आप अपना रिएक्शन ऐड कर दीजिए। रिएक्शन का मतलब जैसे वो वीडियो ऊपर चल रहा है, नीचे से आप देख के उसमें थोड़ा सा कमेंट्री कर दीजिए, कमेंट्री का मतलब वॉइस ओवर, जैसे बोल दिए वाह कितना अच्छा वीडियो, या फिर आप इस तरह देखते रहिए, तो एक प्रकार से वो आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यार देखिए इस कॉन्टेंट को भी मतलब कुछ कुछ ऐसे कॉन्टेंट होते हैं जो स्ट्राइक देते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कॉन्टेंट होते हैं जो स्ट्राइक नहीं देते हैं। तो एक प्रकार से आप जैसे बहुत सारे लोग मतलब आप कोई भी मतलब जैसे कि आप कोई भी फनी वीडियो हो गया या फिर कोई भी अच्छे से अच्छा वीडियो हो गया, आप उस पर रिएक्शन दीजिए, रिएक्शन देने के बाद जैसे आप उसके चैनल को क्रेडिट दे दीजिए, भाई रिएक्शन और क्रेडिट देने से कभी भी वो आपके चैनल में प्रॉब्लम नहीं करेगा और आपके चैनल मोनेटाइज होने में कभी भी कोई रोक नहीं सकता है। तो एक ये तरीका होगा जिस तरीके से आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर जिनको फेस नहीं दिखाना है, तो अगर फेस नहीं दिखाना तो तब आप कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे, तो जिनको फेस नहीं दिखाना है वो क्या करेंगे, वो अपनी वॉइस ऐड कर देंगे। दोस्तों आपको भी पता होगा कि इस टाइम तक मैंने आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल आइडिया दे दिया है, जिसमें मैं आपको कॉपी पेस्ट चैनल के आइडिया देता हूं और बहुत सारे चैनल आइडिया में मतलब आपको फ्रेश कंटेंट के बारे में बताता हूं। तो यार मैं हमेशा आपको अपनी वॉइस ऐड करने का तरीका बताता हूं भाई, और अपना रिएक्शन ऐड करने का तरीका बताता हूं। कभी मैं आपके लाइव के साथ खेल नहीं सकता, क्योंकि भाई मैं मुझे पता है भाई कितना मेहनत लगता है इस वीडियो के पीछे, मेरा भाई 2 दिन का मेहनत है, मैंने रिसर्च किया कि कौन कौन क्या कर रहा है यूट्यूब पे, कैसे कैसे लोगों के इमोशन के साथ खेल रहे हैं लोग, ये मैंने रिसर्च किया, फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कि भाई आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यूट्यूब पे मोनेटाइज मतलब अगर आपको यूट्यूब पे रहना है, अगर आप यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपनी एक्टिविटी ऐड करने की पूरी कोशिश करें। जैसे मैंने जैसे फर्स्ट तरीका हमको बताया, उसमें आपको अपना रिएक्शन ऐड करना है, जैसे आप रिएक्शन ऐड कर देंगे या और चैनल को क्रेडिट दे देंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड तरीका मैंने बताया, कोई भी कंटेंट उठा लीजिए, उसमें आप अपनी वॉइस ऐड कर दीजिए और उसके वीडियो का यहाँ पे नीचे उसके वीडियो का क्रेडिट दे दीजिए या फिर उसके चैनल का यहाँ पे लिंक डाल दीजिए। तो ये जो तरीका ना, इस तरीके से अगर आप भी वर्क करेंगे तो आपके चैनल पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी और भी कोई डाउट है, या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी चैनल पे वर्क कर रहे हैं जिसमें आपने कोई भी एक्टिविटी ऐड नहीं किया है, तो भाई मैं आपसे यही कहूंगा, भाई अभी समय है, आप उस चैनल को छोड़ दीजिए। अदरवाइज जब आप मोनेटाइज करने के लिए जाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर लग भाई चांस है भाई, अगर वो बंदा यूट्यूब पे नहीं अगर हो भी गया, तो अगर जब भी वो यूट्यूब पे आएगा तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मैं इसीलिए यही बात कहूंगा भाई, आपको अगर आप ऐसे कंटेंट पे वर्क करना है तो आप अपनी वॉइस ऐड कर दीजिए या फिर आप उस पे अपनी रिएक्शन ऐड कर दीजिए, मतलब एक्टिविटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, अदरवाइज मोनेटाइज नहीं होने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों यहां तक आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आप किसी भी कंटेंट पर वर्क कर रहे हैं, आपको अपना चैनल चेक करवाना है, तो आप मेरे आ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल ऐसा भाई, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट चलता है, क्या मैं चेक करने का पैसा लेता हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे आएंगे, जैसे आप वहां पे अपने चैनल का लिंक शेयर करेंगे, जैसे मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा आपके चैनल का, वहां पे चैनल चेक करने वाला हूँ। ठीक है, और यार बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते, तो वहां पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि भाई फॉलो करने से आपका जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाता हूं, वो चीज आपको पता चलेगा। तो यहां तक दोस्तों मैंने आपका डाउट हर प्रकार से क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आपको कार्टून वीडियोस पे वर्क करना है, अगर अपने मोबाइल से प्रोफेशनल कार्टून बनाना है, या फिर अगर आपको अपने लैपटॉप से प्रोफेशनल कार्टून बनाना है, तो आप मेरे 2 दिन मिशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरे कोर्स में ऑफर चल रहा है, आप इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत कम पैसे मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द इसकी प्राइस बढ़ने वाले, जाइए आप इस कोर्स में ज्वाइन करिए, नहीं तो बहुत जल्द इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों।